आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एनाटिक फंक्शन। सम्मिश्र फलनों की सांतत्यता एवं अवकलनीयता विश्लेषिक फलन। कुछ बातें आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कंटिन्यूटी सांतत्य। तो अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट जेड इक्वल टू जेड जीरो इफ मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन। एक बिंदु एफ ऑफ जेड एक फलन एफ ऑफ जेड को बिंदु जेड इक्वल टू जेड जीरो पर संतत कहते हैं यदि, कब कहते हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन। या आप ऐसे बोल सकते हो कि लिमिटेशन जेड टेंडिंग टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड जीरो यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका और इसका वैल्यू इक्वल आता है, बराबर आता है, तो ये फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वह कंटिन्यूस कहलाएगा, संतत कहलाएगा। किस पॉइंट पर, जेड इक्वल टू जेड जीरो, जेड जीरो पॉइंट पर वह संतत कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है कि जेड टेंडिंग टू जेड जीरो, इसका मतलब है एफ ऑफ जेड टेंडिंग टू एफ ऑफ जेड जीरो, ये बोलता है कि ये क्वांटिटी इम्प्लाइज दैट, इसको मतलब यह इसको सूचित करता है। तो बोलता है कि यदि जेड जेड जीरो की तरफ जा रहा है, इफ जेड इज टेंडिंग टू जेड जीरो देन एफ ऑफ जेड इज टेंडिंग टू एफ ऑफ जेड जीरो, यदि जेड जेड जीरो की तरफ जाता है तो एफ ऑफ जेड जीरो की तरफ जाता है, ये कहलाता है कंटिन्यूस का डेफिनेशन। मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ जेड जा रहा है जेड जीरो की तरफ, इसका मतलब है जेड माइनस जेड जीरो, मतलब जेड और जेड जीरो का जो डिस्टेंस है वो टेंडिंग टू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जेड किधर जा रहा है, जेड जीरो की तरफ। जब जेड जेड जीरो की तरफ जा रहा है तो जेड और जेड जीरो का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कम होते जाएगा और ये टेंडिंग टू जीरो। आपको पता है एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन जीरो होता है, डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो टेंडिंग टू जीरो, तो यह लेस देन होगा डेल्टा से, क्योंकि जीरो और डेल्टा में क्या रिलेशन है कि जीरो लेस देन है डेल्टा से, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा। वैसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ ऑफ जेड टेंडिंग टू एफ ऑफ जेड जीरो, मतलब एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो का जो मॉड है यह टेंडिंग टू जीरो होगा, मतलब एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो का जो मॉड है यह लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो जब जेड जेड जीरो की तरफ जा रहा है तो एफ ऑफ जेड जो है एफ ऑफ जेड जीरो की तरफ जाना चाहिए, यदि ऐसा है तो यह फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा। या आप ये वाला डिफिनेशन याद रखिए, अगर ये दोनों इक्वल आता है तो भी फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा, संतत कहलाएगा। कुछ और डिफिनेशन हम देखते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, एक समान संतत। इसमें क्या बताया मैंने, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड टू लेस देन एप्सिलॉन। अब कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दोनों का डिफिनेशन एकदम सेम है, क्या अंतर है, देखिए इसमें मैंने एक पॉइंट के बारे में बात किया था जेड जीरो, यहाँ पर जेड जीरो फिक्स पॉइंट है और जेड वेरी करेगा, जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेड जीरो जो है वह एक स्थिर बिंदु है, फिक्स पॉइंट है। यहाँ पर जेड वन और जेड टू दो अलग अलग पॉइंट हमने ले लिए, यहाँ पर एक ही पॉइंट लिए थे जेड जीरो, यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट हमने लिया है जेड वन और जेड टू। तो अगर ये दो अलग अलग पॉइंट लें तो भी अगर ये डिफिनेशन सेटिस्फाई होता है तो हम इस फंक्शन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, एक समान संतत कहते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, अवकलनीयता, ये फार्मूला है, या तो आप ऐसा याद रखिए या ऐसा याद रखिए, अगर इस फार्मूले को सेटिस्फाई करता है तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड या डिफरेंशिएबल कहलाएगा एट पॉइंट जेड जीरो, फलन एफ ऑफ जेड बिंदु जेड जीरो पर अवकलनीय कहलाता है। कब, जब इस में से किसी भी एक को सेटिस्फाई करे। आप ऐसा याद रखो या ऐसा रखो या ऐसा,
तीनों में से कोई भी याद रखो, इस डेफिनेशन को जो सेटिस्फाई करता है, अगर ये और ये इक्वल आ जाता है तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन। एनालिटिक फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला, एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस पॉइंट पर, जेड जीरो पॉइंट पर, और दूसरा, एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल होना चाहिए जेड जीरो के नेबरहुड पर। नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है आपको बताते हैं, नेबरहुड को शॉर्ट कट में एनबीडी, एनबीडी, एनबीडी का फुल फॉर्म है नेबरहुड। नेबरहुड मतलब हिंदी में बोल सकते हैं पड़ोसी। तो क्या होता है ये, जैसे जेड पॉइंट जेड जीरो है, ये पॉइंट जेड जीरो है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, ये चारों ओर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट कहलाएंगे जेड जीरो का नेबरहुड, एनबीडी, नेबरहुड। तो नेबरहुड मतलब जेड जीरो के पड़ोसी। तो अगर इन पॉइंट में भी एफ ऑफ जेड जो है वह डिफरेंशिएबल है, जेड जीरो पर तो है ही डिफरेंशिएबल, अवकलनीय है ही, लेकिन जेड जीरो के अलावा जेड जीरो का जो नेबरहुड है, जेड जीरो के जो पड़ोसी बिंदुए हैं उस पर भी अगर वह डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो ये फंक्शन कहलाएगा एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन। किस पॉइंट पर? जेड जीरो पॉइंट पर। मतलब मैं फिर से बताता हूँ, कोई फंक्शन जेड जीरो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, और जेड जीरो के अलावा उसके आसपास के पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। यदि दोनों बातें सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड यह एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है पॉइंट जेड जीरो पर, बिंदु जेड जीरो पर। अब हम पढ़ते हैं रेगुलर फंक्शन, नियमित फलन। हमने एक पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर विचार करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब मैं आपको बताता हूँ सम्मिश्र समतल। क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, देखिए जैसे मैंने लिखा इसको एक्स एक्सिस और इसको मैंने लिखा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे रियल एक्सिस, रियल एक्सिस मतलब वास्तविक अक्ष, और वाई को हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस मीन्स काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी एक्सिस मीन्स काल्पनिक अक्ष। तो ये पूरा कहलाएगा जेड प्लेन। जेड प्लेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से नोट करते हैं, और जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई, और इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं एक्स वाई पेयर। यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा वो जेड के फॉर्म में आएगा, और जेड जो होगा एक्स वाई पेयर के रूप में होगा। तो ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, हिंदी में सम्मिश्र समतल। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी क्षेत्र, कोई भी हम क्षेत्र ले कॉम्प्लेक्स प्लेन का, जैसे मैं बता दूँ, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन तैयार किया सम्मिश्र समतल, और इसका कोई हम क्षेत्र ले लिए डी, ये तो ये क्या कहलाएगा, ये एक रीजन है, क्षेत्र है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स समतल, सम्मिश्र समतल में एक क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र के हर एक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक मीन्स विश्लेषिक फलन है, तो वह फंक्शन कहलाएगा रेगुलर फंक्शन, नियमित फलन। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी रेगुलर फंक्शन इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन डी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक फलन एफ ऑफ जेड को नियमित फलन कहते हैं यदि यह सम्मिश्र समतल के किसी क्षेत्र डी के प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक हो। इसको याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं अभी आपको समझा रहा था, ये कहलाता है जेड प्लेन, जेड समतल, और जब इसमें एफ ऑपरेट करेंगे तो एफ ऑफ जेड मिलेगा। एफ ऑफ जेड को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है यू प्लस आई वी, मतलब यू वी पेयर। तो ये कहलाता है डब्ल्यू प्लेन, डब्ल्यू समतल। तो जब हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं तो हम जेड प्लेन की बात करते हैं, जेड समतल। जब हम एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखते हैं तो हम डब्ल्यू प्लेन की बात करते हैं। तो याद रखना, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं और एफ ऑफ जेड लिखते हैं यू प्लस आई वी। मतलब यहाँ से यहाँ जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो पहले जेड रहता है, बाद में वो एफ ऑफ जेड बन जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को याद रखिए।
कौची रिमान इक्वेशन क्या होता है, कौन सी रिमान समीकरण, ये होता है डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ये कहलाता है कौची रिमान इक्वेशन, कौन सी रिमान समीकरण। लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखिए, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या ऐसे भी लिख सकते हो, ये कहलाता है लाप्लास समीकरण। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फलन, अगर ये यू जो है यह लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो यू कहलाएगा हार्मोनिक फलन। यू को हम कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन, कब कहेंगे, जब वह लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक बात और याद रखिए, अगर एफ ऑफ जेड विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है, तो वह कौची रिमान समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, कब, जब एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तब कौची रिमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, स्टेट एंड प्रूव द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, फलन एफ ऑफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। यह क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फलन एफ ऑफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए कौची रिमान समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, डिराइव कौची रिमान इक्वेशन फॉर फंक्शन एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। तो हमें कौची रिमान इक्वेशन को डिराइव करना है, उसको प्रूव करना है। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका नेसेसरी कंडीशन आप किस प्रकार से लिखोगे, तो मैंने हेडिंग दिया है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, फरन एफ ऑफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। क्या लिखोगे आप, एक फलन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई के किसी बिंदु जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पर विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि चार आंशिक अवकलज यू एक्स यू आई वी एक्स वी वाई का अस्तित्व हो और समीकरणों यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स को संतुष्ट करते हों, इसी को हम कौची रिमान समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक दैट फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स यू आई वी एक्स वी वाई आर एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाइज द इक्वेशंस यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू आई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो ये जो इक्वेशंस हमें लिखा है, दीज आर कॉल्ड कौची रिमान इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं प्रूफ, मान लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई पेयर में, तो डेल जेड क्या होगा, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, अगर इन दोनों को प्लस करें तो जेड प्लस डेल जेड होगा एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आई वाई प्लस डेल वाई, इसको आप इस प्रकार से पेयर में लिख सकते हो एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई प्लस डेल वाई। एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड हमने क्या माना है, यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई, तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, यहाँ जेड है तो एक्स वाई आया पेयर, यहाँ पे जेड के प्लेस पे जेड प्लस डेल जेड है तो पेयर में क्या आएगा, एक्स के प्लेस पे आएगा एक्स प्लस डेल एक्स, वाई के प्लेस पे वाई प्लस डेल वाई, यहाँ भी एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस डेल एक्स और वाई के प्लेस पे वाई प्लस डेल वाई, इस इक्वेशन नंबर टू दिया है, इसे इक्वेशन नंबर वन। मान लो एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एक बिंदु जेड पर विश्लेषिक फलन है, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन एट पॉइंट जेड, देन एफ डेल जेड का फार्मूला याद रखिए, इसके पहले मैं बता चुका हूँ फार्मूला, एक बार और याद रखिए, क्यों एफ डेल जेड का फार्मूला एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जो एनालिटिक होता है वो डिफरेंशिएबल कहलाता है, तो एफ डेल जेड इज इक्वल टू ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में लिखा हुआ है, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में लिखा हुआ है, और डेल जेड इज इक्वल टू है डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ये सब वैल्यू हम रख देंगे, रख दिए। यहाँ पर चीज़ और बताता हूँ, यहाँ लिखा है डेल जेड टेंडिंग टू जीरो, जब डेल जेड टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो आएगा और डेल वाई टेंडिंग टू जीरो आएगा, ये लिख दिया, सभी वैल्यूज रख दिए। पहला केस में ले रहा हूँ,
व्हेन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हम डेल एक्स को जीरो ले लें तो क्या आएगा, तो डेल एक्स पहला केस में डेल एक्स को जीरो ले लेंगे, सेकंड केस में डेल वाई को जीरो। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जहां जहां डेल एक्स है सबको जीरो कर दीजिए। अब इन दोनों में आई कॉमन है, आई को बाहर कर दीजिए, इतना माइनस इतना आएगा, इतना माइनस इतना आएगा, इन दोनों में आई कॉमन आएगा। अब यहाँ पर लिमिट दोनों में ऑपरेट होगा, वन बाई बाहर कर दीजिए, लिमिट इसमें ऑपरेट कर दीजिए, यहाँ आई आई कैंसिल हो जाएगा, लिमिट इसमें भी ऑपरेट होगा। वन बाई आई वैल्यू माइनस आई होता है, याद रखना है, वन बाई आई वैल्यू माइनस आई होता है। अब ये किसका फार्मूला है, डेल यू बाई डेल वाई का, ये किसका फार्मूला है, डेल वी बाई डेल वाई का। तो हमने क्या प्रूव किया, एफ डे जेड इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई। ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला है डेल यू बाई डेल वाई का, और ये फार्मूला है डेल वी बाई डेल वाई का। अब सेकंड केस करेंगे, सेकंड केस में हमने लिया डेल वाई इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर जो थ्री है इसमें जहां जहां डेल वाई दिख रहा है सबको जीरो कर दीजिए, इन दोनों में आई है तो आई वाला अलग कर दीजिए। अब लिमिट दोनों में ऑपरेट होगा, ये फार्मूला है डेल यू बाई डेल एस का, ये फार्मूला है डेल वी बाई डेल एस का, एवरेज जेड के लिए आया। अब एवरेज जेड के लिए दो अलग लगा गए, पहले इक्वेशन नंबर फोर में आप देखिए एवरेज जेड के लिए आया था, इक्वेशन नंबर फाइव में एवरेज जेड के लिए आया, दोनों को इक्वल कर दीजिए। अब कंपेयर कीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को, रियल पार्ट मीन्स जिसमें आई नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट मीन्स जिसमें आई है। तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल वी बाई डेल वाई, और डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, मतलब यू एक्स इक्वल टू वी वाई आया और वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। इसी को हम बोलते हैं कौची रीमान इक्वेशन, ये हमारा कौची रीमान समीकरण है। ये फार्मूला आप याद रखिए, डेल यू बाई डेल एक्स का फार्मूला और डेल वी डेल यू बाई डेल वाई का फार्मूला, इसी फार्मूला को हमने यूज किया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, कौशी रीमान समीकरण के ध्रुवीय रूप लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, स्टेट एंड प्रूव पोलर फॉर्म ऑफ कौची रीमान इक्वेशन। इसका स्टेटमेंट पहले देखिए क्या है, इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, देन द कौची रीमान इक्वेशन इज डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू वन बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा एंड डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा। यदि एफ ऑफ जेड यू इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एक विश्लेषिक फलन है तथा जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, तब कौशी रीमान समीकरण है ये दोनों। चलिए हम इसका प्रूफ देते हैं, एफ ऑफ जेड हमने मान लिया यू प्लस आई वी, और जेड हमने क्या ले रहे हैं आर ई टू द पावर आई थीटा, तो जेड के प्लेस पे रख देंगे आर ई टू द पावर आई थीटा। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू आर, इक्वेशन नंबर वन को आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ये हो जाएगा एफ डेस आर ई टू द पावर आई थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आर के रिस्पेक्ट में तो आर का डिफ्रेंशिएशन वन आ जाएगा, और ये कांस्टेंट रहेगा आर के रिस्पेक्ट में तो ई टू द पावर आई थीटा आएगा, और राइट साइड में क्या होगा डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर। अब इक्वेशन नंबर वन को थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, अब लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, समीकरण एक को थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, देखिए ये हो जाएगा एफ डेस आर ई टू द पावर आई थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो आर कांस्टेंट है, e टू द पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन e टू द पावर आई थीटा इन टू आई आएगा, ये आ जाएगा एफ डेस आर ई टू पावर आई थीटा, आर कांस्टेंट है और e टू द पावर आई थीटा इन टू आई आएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, और राइट साइड आएगा डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाई डेल थीटा, इसमें आर आई को बाहर लिख दिया, ये लिख दिया। इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर टू आपको दिखाता हूँ ये, तो इसका जो वैल्यू है ये है डेल यू बाई डेल आर प्लस आई डेल वी बाई डेल आर, तो इसका वैल्यू हमने रख दिया इक्वेशन नंबर टू से। अब आर आई का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, आर आई का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, आई स्क्वायर माइनस वन होता है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर आप देख रहे इमेजिनरी पार्ट है आर डेल यू बाई डेल आर, यहाँ पर डेल वी बाई डेल थीटा, इमेजिनरी पार्ट मीन जिसमें आई है, आई जिसमें रहता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट क्या है यहाँ माइनस आर डेल वी बाई डेल आर, यहाँ पे डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब
डेल यू बाई डेल आर आएगा 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, और डेल वी बाई डेल आर आएगा माइनस 1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा। तो ये कहलाता है कौची इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप में कौची का समीकरण, याद रखिए इसे। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 128। दर्शाइए कि हार्मोनिक फलन संतत रूप से अवकल समीकरण डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू जीरो को संतुष्ट करता है। सो दैट हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू जीरो। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेट यू बी अ हार्मोनिक फंक्शन, मान लो यू एक हार्मोनिक फलन है। तो जब ये हार्मोनिक फलन है तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आएगा। इसको हम कहते हैं लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास समीकरण। तो लाप्लास इक्वेशन क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यू हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फलन है। अब हमने मान लिया जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार होगा एक्स माइनस आई वाई, जेड प्लस जेड बार होगा टू एक्स, जेड माइनस जेड बार होगा टू आई वाई। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1 बाई टू जेड प्लस जेड बार, और y का वैल्यू आएगा 1 बाई टू आई जेड माइनस जेड बार। अब हम निकालते हैं डेल एक्स बाई डेल जेड। जब जेड के इसमें डिफ्रेंशिएट करें जेड बार कांस्टेंट रहेगा तो 1 बाई टू आएगा। डेल एक्स बाई डेल जेड बार, तो यहाँ पर जेड कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ भी 1 बाई टू आएगा। डेल वाई बाई डेल जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में 1 बाई टू आई आएगा, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड बार के रिस्पेक्ट में तो माइनस 1 बाई टू आई आएगा। तो हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया है s को जेड के रिस्पेक्ट में फिर जेड बार के रिस्पेक्ट में, वैसे ही y को जेड के रिस्पेक्ट में फिर जेड बार के रिस्पेक्ट में। इसका यूज हम आगे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि u जो है यह फंक्शन है किसका, x और y का, मतलब u इज डिपेंडिंग ऑन x एंड y। तो हम जब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड बार के रिस्पेक्ट में तो चेयर रूल लगेगा। चेयर रूल क्यों लगेगा, क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार। तो क्या आएगा, डेल u बाई डेल x बाई डेल जेड बार प्लस डेल u बाई डेल y और डेल y बाई डेल जेड बार। मतलब पहले u का डिफ्रेंशिएशन होगा s के रिस्पेक्ट में, बाद में s का जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस u को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड बार के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम बोलते हैं चैन रूल, याद रखना यह चैन रूल कहलाता है। इसका वैल्यू 1 बाई टू है, इसका वैल्यू माइनस 1 बाई टू आई है, तो 1 बाई टू हमने बाहर निकाल दिया, ये निकल गया डेल यू बाई डेल जेड बार का वैल्यू। ये हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। याद रखना 1 बाई आई का वैल्यू माइनस आई होता है, तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, आई आ जाएगा। अब डेल यू बाई डेल जेड, फिर से चैन रूल लगेगा, डेल यू बाई डेल एक्स डेल एक्स बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल वाई डेल वाई बाई डेल जेड। इसका वैल्यू 1 बाई टू है, इसका वैल्यू 1 बाई टू आई है, 1 बाई टू दोनों में कॉमन है, बाहर निकाले 1 बाई आई को माइनस आई होता है, तो यहाँ से इस प्रकार से मिलेगा। इसलिए अगर यहाँ से u बाहर कर दोगे तो इस प्रकार से लिखोगे, अगर यहाँ से u को हटा दोगे तो डेल बाई डेल जेड वैल्यू आएगा 1 बाई टू डेल बाई डेल एक्स माइनस आई डेल बाई डेल वाई। ये इक्वेशन नंबर 3 दिए। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों का हम यूज करेंगे आगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये लीजिए हम मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, तो डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वेशन नंबर 2 में मिलेगा इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू मिलेगा इक्वेशन 3 में इसका इक्वेशन नंबर 2 में। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए डेल बाई डेल जेड की वैल्यू निकल चुका है और डेल यू बाई डेल जेड बार की वैल्यू निकल चुका है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको और इसका ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर यू को बाहर कर दिए, अब यहाँ पर 1 बाई टू है, यहाँ भी 1 बाई टू 1 बाई फोर आ जाएगा। यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर यू। यहाँ आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो प्लस हो जाएगा, अब यू को अंदर ले आई ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू जीरो है, इक्वेशन नंबर 1 देखिए आप, इक्वेशन नंबर 1 से हमने इसको इसका वैल्यू हमने जीरो बताया है। ये देखिए क्यों जीरो बताया है, क्योंकि यू हार्मोनिक फंक्शन था, तो ये वैल्यू जीरो है, ये जीरो होने से पूरा जीरो आ जाए। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो आ रहा है, यही हमें प्रूव करना था। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 129। दर्शाइए कि फलन u इक्वल टू एस क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर हार्मोनिक है, तथा संगत विश्लेषिक फलन को ज्ञात कीजिए जिसका यह वास्तविक भाग है। सो दैट द फंक्शन u इक्वल टू एस क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड
कोरिस्पॉन्डिंग एनाटिक फंक्शन इन विच यू इज रियल पार्ट। अब याद रखो यू का वैल्यू दिया गया है, यू हमारे एनाटिक फंक्शन का रियल पार्ट है, हमें एनाटिक फंक्शन भी फाइंड आउट करना है और यू को बताना है हार्मोनिक। यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, सबसे पहले यू को हमें हार्मोनिक प्रूव करना है, हार्मोनिक बताना है। हार्मोनिक कैसे प्रूव करेंगे, हमें बताना पड़ेगा यू लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, फिर हमें एनाटिक फंक्शन निकालना है। एनाटिक फंक्शन निकालने का तरीका हम आपको आगे बताएंगे। तो यू का वैल्यू दिया गया है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, तो डेल यू बाई डेल एक्स आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा सिक्स एक्स, जीरो हो जाएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो जीरो हो जाएगा, ये आएगा माइनस सिक्स एक्स वाई, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आएगा माइनस सिक्स एक्स। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, ये सेकंड वाले को और फोर्थ वाले को, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ सिक्स एक्स है, यहाँ माइनस सिक्स एक्स, जीरो आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ यू लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः यू एक हार्मोनिक फलन है। Here u satisfies the Laplace equation, hence u is a harmonic function. तो हमने u को हार्मोनिक फंक्शन प्रूव कर दिया है। अब हमें क्या ढूंढना है, एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन। तो हमने मान लिया लेट f of z इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन, यहाँ u रियल पार्ट है और v इमेजिनरी पार्ट है। तो f of z इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एक विश्लेषिक फलन है, ऐसा हमने मान लिया। अब आपको याद रखना है मिलने थॉमसन मेथड, तो मिलने थॉमसन मेथड का फार्मूला याद रखना है एफ ऑफ जेड निकालने का। एफ ऑफ जेड का वैल्यू होता है इंटीग्रेशन फाइव वन जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। ये फार्मूला आप याद रखोगे, ये फार्मूला आपको मिला है मिलने थॉमसन मेथड से। फाइव वन और फाइव टू कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी फार्मूला है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फाइव वन एक्स वाई का वैल्यू, फाइव वन एक्स वाई का जो वैल्यू होता है डेल यू बाई डेल एक्स होता है, और फाइव टू एक्स वाई का वैल्यू होता है डेल यू बाई डेल वाई। तो आप देख लीजिए डेल यू बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और डेल यू बाई डेल वाई निकाल चुके हैं माइनस सिक्स वाई है। तो फाइव वन एक्स वाई का फार्मूला याद रखो, ये होता है डेल यू बाई डेल एक्स, इसका वैल्यू आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइव टू एक्स वाई का वैल्यू होता है डेल यू बाई डेल वाई, इसका वैल्यू होगा माइनस सिक्स एक्स वाई। अब हमें निकालना है फाइव वन जेड जीरो, क्यों निकालना है, क्योंकि आप देखिए मिलने थॉमसन मेथड में फाइव वन जेड जीरो लिखा है और फाइव टू जेड जीरो। तो फाइव वन जेड जीरो कैसे निकलेगा, एस के प्लेस पे जेड रख दीजिए और वाई के प्लेस पे जीरो, यहाँ एक्स है वहाँ जेड आ जाएगा, वाई जीरो आ जाएगा, थ्री जेड स्क्वायर आएगा। फाइव टू जेड जीरो, एस के प्लेस पे जेड लिखिए और वाई के प्लेस पे जीरो, यहाँ जेड आएगा यहाँ जीरो, तो जीरो हो जाएगा। तो फाइव वन जेड जीरो थ्री जेड स्क्वायर आ रहा है, फाइव टू जेड जीरो जीरो आ रहा है। इक्वेशन नंबर वन ये आया, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये कहाँ से आया था, मिलने थॉमसन मेथड से। फाइव वन जेड जीरो थ्री जेड स्क्वायर है, फाइव टू जेड जीरो जीरो है, थ्री जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा जेड क्यूब बाई थ्री, थ्री से कट जाएगा, तो एफ ऑफ जेड क्यू आ रहा है जेड क्यूब प्लस सी। ये हमारा कहलाएगा एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 130। सिद्ध कीजिए कि फलन u इज इक्वल टू एस क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, और संगत विश्लेषिक फलन u प्लस आई वी को ज्ञात कीजिए। प्रूव दैट द फंक्शन u, u का वैल्यू दिया गया है, सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन एंड फाइंड कोरिस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। तो u का वैल्यू क्या दिया गया है, एस क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन। डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस थ्री वाई स्क्वायर, यहाँ आएगा सिक्स एक्स, ये तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स आ रहा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा सिक्स एक्स जीरो, यहाँ सिक्स, तो हमारा आएगा सिक्स एक्स प्लस सिक्स। डेल यू बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस सिक्स एक्स वाई, ये जीरो होगा, यहाँ आएगा माइनस सिक्स वाई, ये भी जीरो होगा। तो डेल यू बाई डेल वाई होगा माइनस सिक्स एक्स वाई माइनस सिक्स वाई। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स और ये माइनस सिक्स। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स प्लस सिक्स और माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स, आंसर हो जाएगा जीरो आएगा। तो हम बोल सकते हैं यू सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, यहाँ यू लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। क्लियरली यू इज अ हार्मोनिक फंक्शन, स्पष्ट है कि यू एक हार्मोनिक फलन है।
तो ये तो हमने बता दिया, यू लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हमें ढूंढना है एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषी के फलन। तो एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड हम मान लेते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, यह एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है। अब आपको याद रखना है मिलने थॉमसन मेथड। तो मिलने थॉमसन मेथड से एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालते हैं। ये फार्मूला आप याद रखोगे, फाई वन एक्स वाई होता है डेल यू बाई डेल एक्स, और फाई टू एक्स वाई होता है डेल यू बाई डेल वाई। और डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, एस के प्लेस पे जेड रखना है, वाई के प्लेस पे जीरो रखना है। तो यहाँ भी एस के प्लेस पे जेड आएगा, वाई के प्लेस पे जीरो आएगा, ये लाइन आएगा, मतलब थ्री जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड आएगा। यहाँ भी एस को जेड रखना है, वाई को जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दे रहे हैं वैल्यूज, तो फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू है थ्री जेड स्क्वायर प्लस सिक्स जेड, और फाइव टू जेड जीरो की वैल्यू जीरो है, रख दिए। इंटीग्रेट किए तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ रहा है जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वायर प्लस सी। तो मिलने थॉमसन मेथड से आपको एनालिटिक फंक्शन निकालने का फार्मूला याद रखना है, और इस प्रकार से इसका आंसर मिलेगा। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 131। दर्शाइए कि फलन यू इजिकल टू साइन एस कास हाइपर वाई प्लस टू कास एक्स साइन हाइपर वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई एक हार्मोनिक फलन है, तथा संगत विश्लेषिक फलन एफ ऑफ जेड प्लस इजिकल टू यू प्लस आई वी का निर्धारण कीजिए। सो दैट फंक्शन यू, यू का वैल्यू दिया गया है, इज अ हार्मोनिक फंक्शन एंड डिटरमाइन द कोरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो यू का वैल्यू हमें दिया गया है, क्या दिया है यू का वैल्यू, साइन एक्स इंटू कास हाइपर वाई प्लस टू कास एक्स साइन हाइपर वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल यू बाय डेल एक्स। जब हम डिफ्रेंशिएट करें एस के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो एक्स वाला टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा और वाई वाला टर्म कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कास एक्स आएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा कास हाइपर वाई, इसका आ जाएगा माइनस टू साइन एक्स, और साइन हाइपर वाई कांस्टेंट रहेगा, ये टू एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स नहीं है जीरो हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन फोर वाई। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कास एक्स का माइनस साइन एक्स कास हाइपर वाई, इसका हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स का कास एक्स साइन हाइपर वाई, इसका टू हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाएगा। अब हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा, कास हाइपर वाई का डिफ्रेंशिएशन साइन हाइपर वाई, टू कास एक्स कांस्टेंट साइन हाइपर वाई का कास हाइपर वाई, एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू वाई, और ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स। एक बात याद रखना, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कास एक्स होता है और कास एक्स का माइनस साइन एक्स, लेकिन कास हाइपर वाई का डिफ्रेंशिएशन साइन हाइपर वाई होता है और साइन हाइपर वाई का डिफ्रेंशिएशन कास हाइपर वाई होता है, यहाँ माइनस साइन नहीं आता है। याद रखोगे, साइन हाइपर वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कास हाइपर वाई आएगा, और कास हाइपर वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन हाइपर वाई आता है। चलिए अब हम करते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, साइन एक्स कांस्टेंट है, ये जाएगा कास हाइपर वाई प्लस टू कास एक्स कांस्टेंट साइन कास हाइपर वाई का साइन हाइपर वाई, और इसका माइनस टू, ये बाकी जीरो हो जाए। इस प्रकार से हमने डिफ्रेंशिएट किया है दो बार एस के रिस्पेक्ट में, दो बार वाई के रिस्पेक्ट में। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये टर्म कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये हमने प्लस कर दिया, इक्वल टू जीरो आया, तो हम लिखेंगे यू सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन, हेंस यू इज अ हार्मोनिक फंक्शन। यहाँ यू लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः यू एक हार्मोनिक फलन है। अब हमने मान लिया एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी एक एनालिटिक फंक्शन है, एक विश्लेषिक फलन है। हम यूज करेंगे मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड का फार्मूला आप याद रखिए, फाइव वन होता है, फाइव वन एक्स वाई होता है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, और फाइव टू एक्स वाई होता है डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो ये फार्मूला भी याद रखिए, फाइव वन एक्स वाई क्या होता है डेल यू बाई डेल एक्स, और फाइव टू एक्स वाई होता है डेल यू बाई डेल वाई। और ये फार्मूला याद रखिए, ये एफ ऑफ जेड का फार्मूला है, एफ ऑफ जेड को हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन। अब यहाँ एस के प्लेस पे जेड रखिए, वाई के प्लेस पे जीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ जेड आ जाएगा, जहाँ जहाँ वाई वहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ भी एस के प्लेस पे जेड और वाई के प्लेस पे जीरो। तो इस प्रकार से आएगा फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू, कास हाइपर जीरो वन होता है, साइन हाइपर जीरो जीरो होता है,
ये मिल जाएगा। यहाँ भी एक्स को जेड और वाई को जीरो रखना है, साइन हाइपर जीरो जीरो होता है, कास हाइपर जीरो वन होता है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर वन ये हमारा है, फाइव वन जेड जीरो को लू का जेड प्लस टू जेड है, फाइव टू जेड जीरो को लू टू का जेड प्लस फोर का जेड है, फोर का फोर फोर जेड है, रख दिए। यहाँ से टू कॉमन होगा, टू कॉमन निकाल दिए। अब का जेड प्लस टू जेड दोनों में है, का जेड प्लस टू जेड दोनों में है, तो इसको बाहर कर दिए, वन माइनस टू आई का जेड प्लस टू जेड का कॉमन निकल जाएगा। अब का जेड का इंटीग्रेशन करोगे साइन जेड आ जाएगा, और टू जेड का इंटीग्रेशन करोगे तो जेड स्क्वायर आएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन माइनस टू आई साइन जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 132। विश्लेषिक फलन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी को ज्ञात कीजिए, जिसका वास्तविक भाग यू इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई है। फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी हूज रियल पार्ट इज यू इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। तो इस क्वेश्चन में हमें यू का वैल्यू दिया गया है ई टू द पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट रहेगा। तो ई टू पावर एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम है, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा कॉस वाई प्लस। अब सेकंड फंक्शन सेम टू सेम है, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे ई टू पावर एक्स, दोनों में ई टू पावर एक्स कॉमन है, कॉमन निकाल देंगे, तो ये हमें मिलेगा डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू। अब डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे ई टू पावर एक्स कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन वाई। इसको ये माइनस साइन बाहर कर दीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन वाई है, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई होगा, प्लस सेकंड फंक्शन साइन वाई है, और वाई का डिफ्रेंशिएशन वन होगा, और माइनस साइन का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। इस प्रकार से डेल यू बाई डेल वाई मिल गया। अब हम मान लेते हैं एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी है, और यह एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है। अब हम लगाएंगे मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड सबको याद रखना है, ये लाइन आता है मिलने थॉमसन मेथड से। इस फार्मूला से हम एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालेंगे, ये फार्मूला आपको याद रखना है। फाइव वन एक्स वाई का वैल्यू होता है डेल यू बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल एक्स, और फाइव टू एक्स वाई का वैल्यू होता है डेल यू बाई डेल वाई। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। डेल यू बाई डेल एक्स हम निकाल चुके हैं, डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल चुके हैं, रख देते हैं। अब एक्स के प्लेस पे जेड रखना है, वाई के प्लेस पे जीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ जेड रख दीजिए, जहाँ जहाँ वाई वहाँ जीरो रख दीजिए। तो फाइव वन जेड जीरो आ रहा है ई की पावर जेड वन प्लस जेड, और फाइव टू में भी एक्स की प्लेस पे जेड और वाई के प्लेस पे जीरो, तो यहाँ पे ई की पावर जेड आ जाएगा, यहाँ साइन जीरो आएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ साइन जीरो जीरो होता है, तो फाइव टू जेड जीरो जीरो आएगा। अब फाइव वन जेड जीरो फाइव टू जेड जीरो के लिए इक्वेशन नंबर थ्री में रख देते हैं, तो फाइव वन जेड जीरो के लिए रख दिया, फाइव टू जेड जीरो जीरो है, ये आ जाएगा ई की पावर जेड, और जेड ई टू पावर जेड आएगा, ई टू पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू पावर जेड होगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा जेड ई टू पावर जेड माइनस वन ई टू पावर जेड, ई टू पावर जेड कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ जेड के लिए आएगा जेड ई टू पावर जेड प्लस सी। इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट होता है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 133। यदि w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन है, एंड u माइनस वी इक्वल टू ई टू पावर एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, देन फाइंड एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, तब एफ ऑफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। गिवन दैट दिया गया है कि u माइनस वी का वैल्यू ई टू पावर एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई। हम इस इक्वेशन नंबर वन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समीकरण एक को एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करें ई पावर एक्स ही आएगा, अब ये कांस्टेंट रहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू पावर एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई। अब ऑन डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, अब समीकरण एक को वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ये कांस्टेंट रहेगा ई टू पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा माइनस साइन वाई, ये आ जाएगा माइनस, और ये कॉस वाई, इसमें माइनस साइन कॉमन है, निकाल दिए बाहर,
डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और डेल वी बाई डेल वाई इसका वैल्यू होगा डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ से यहाँ आ रहा है बाई सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन मीन्स कौन सी रिमान इक्वेशन, कौन सी रिमान समीकरण, याद रखना है आपको। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस साइन कॉमन का कैंसिल कर दीजिए। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर फोर आपको मिल जाएगा। अब इक्वेशन नंबर टू को देखिए, फोर को देखिए। ये इक्वेशन नंबर टू है, अब ये इक्वेशन नंबर फोर है। दोनों आप देखिए, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, मतलब प्लस करते हैं दोनों को, तो डेल वी बाय डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू टाइम्स आएगा डेल वी बाय डेल एक्स, और यहाँ भी ई टू पावर एक्स कॉमन है, ई टू पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई। इस प्रकार से साइन वाई कैंसिल होगा, ये लाइन आएगा, तो डेल वी बाय डेल एक्स आएगा ई टू पावर एक्स कॉस वाई। अब इक्वेशन नंबर टू माइनस फोर करते हैं, तो ये अलग टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा टू डेल वी बाय डेल एक्स, और इतना माइनस इतना आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर टू माइनस इक्वेशन नंबर फोर कर दिया, तो यहाँ से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। डेल वी बाय डेल एक्स को आप क्या लिखोगे, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, इसका वैल्यू कैसे आया, बाई कौची रिमान इक्वेशन, इसका वैल्यू ये लिख सकते हो। तो डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू आएगा माइनस ई टू पावर एक्स साइन वाई। ये इक्वेशन नंबर सिक्स दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमने मान लिया एफ ऑफ जेड इजिकल टू यू प्लस आई भी एक एनाटिक फंक्शन है। हम लगा रहे हैं मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड आपको याद रखना है फार्मूला एफ ऑफ जेड का। फाइव वन एक्स वाई का वैल्यू होता है डेल यू बाय डेल एक्स, ये हम निकाल चुके हैं ई टू पावर एक्स साइन वाई, और फाइव टू एक्स वाई होता है डेल यू बाय डेल वाई, ये होता है ये हम निकाल चुके हैं माइनस ई टू पावर एक्स साइन वाई। हम एस के प्लेस पे जेड रखेंगे, वाई के प्लेस पे जीरो, फाइव वन जेड जीरो का वैल्यू ई की पावर जेड आ रहा है। यहाँ भी एस के प्लेस पे जेड और वाई के प्लेस पे जीरो, तो फाइव टू जेड जीरो का वैल्यू जीरो आ रहा है। अब इक्वेशन नंबर सेवन में रख दीजिए, इसका वैल्यू ई की पावर जेड है, इसका वैल्यू जीरो है, ई की पावर जेड को इंटीग्रेट कीजिए, ई की पावर जेड ही आएगा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू आएगा ई टू द पावर जेड प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 134 एक बार फिर से हम कर रहे हैं, जहाँ भी डाउट हो आप हमसे पूछिए। यहाँ पर u प्लस v का वैल्यू दिया गया है 2 साइन 2x अपान e टू द पावर 2i माइनस e टू द पावर माइनस 2i माइनस 2 cos 2x, एंड w इक्वल टू f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन, एक विश्लेषिक फलन है। देन फाइंड w इन टर्म्स ऑफ z, तो w को z के पदों में ज्ञात कीजिए। तो u प्लस वी इजिकल टू दिया गया है 2 साइन 2x अपान ई टू द पावर 2i माइनस ई टू द पावर माइनस 2i माइनस 2 cos 2x। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट माना जाएगा, डेल बाय डेल x 2 साइन 2x अपान ये। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ई टू द पावर 2i माइनस ई टू द पावर माइनस 2i माइनस 2 cos 2x, तो नीचे वाले को हमने लिख दिया, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 4 cos 2x, फिर माइनस साइन, ऊपर लिखा है 2 sin 2x, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 sin 2x अपान नीचे जो भी लिखा है उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने डिवीजन फार्मूला यूज किया है। अब यहाँ पर आप देखिए 4 cos 2x ये पूरा टर्म्स आया, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 8 साइन स्क्वायर 2x, और नीचे वाला जो टर्म है वो सेम रहेगा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर हम इसको 1 दे रहे हैं। अब u प्लस वी को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो u प्लस वी को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में 2 साइन 2x कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ये वाला टर्म का, तो 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपान इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में, ये आएगा 2 ई टू द पावर 2i, और ये आ जाएगा प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 2i, ये जीरो हो जाएगा। अब डेल यू बाई डेल वाई को हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और डेल वी बाई डेल वाई को लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, ये आ रहा है बाई कौची रिमान इक्वेशन। कौची रिमान इक्वेशन को ही सी आर इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये हमने कौची रिमान इक्वेशन यूज किया, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इजिकल टू ये।
इसी को हमने अच्छे से लिख दिया है। अब यहाँ पर फोर क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू कॉमन आ जाएगा, तो फोर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमने टू दिया है। इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर वन ये आपके सामने है, ये और ये इक्वेशन नंबर टू आपके सामने है। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का जो नीचे जो टर्म्स है, डिनोमिनेटर जो है, दोनों का सेम है, तो सेम आएगा। ये वाला टर्म पूरा लिख दीजिए, प्लस ये वाला टर्म लिख दीजिए। यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लिखोगे, तो हमें मिल गया टू डेल यू बाई डेल एस का वैल्यू। किसको ऐड किए, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को। तो टू, यहाँ टू है, यहाँ फोर है, यहाँ एट है, यहाँ फोर है, तो इस टू को हम हटाएंगे तो यहाँ टू आ जाएगा, यहाँ फोर आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा। इस प्रकार से डेल यू बाई डेल एस की वैल्यू हमें मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से माइनस करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर वन माइनस टू करेंगे। इक्वेशन नंबर वन माइनस टू करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, इक्वेशन नंबर वन माइनस टू में डेल यू बाय डेल एस कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है। जब माइनस करेंगे तो यह टर्म कैंसिल होगा, ये आएगा टू टाइम डेल यू डेल वी बाय डेल यू, ये पूरा टर्म्स आएगा। और माइनस, जब माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इस प्रकार से मिलेगा, ये वाला टर्म मिलेगा। अब यहाँ पर अब देखिए, डेल वी बाय डेल एक्स निकालेंगे तो ये फोर का टू हो जाएगा, यहाँ पर फोर आ जाएगा और यहाँ टू आ जाएगा। अब डेल वी बाय डेल एक्स को, डेल वी बाय डेल एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस डेल यू बाय डेल वाई। कौन सी इक्वेशन से, बाय सी आर इक्वेशन। ये माइनस डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, ये टर्म तो सेम टू सेम रहेगा। अब माइनस साइन को आप इधर ले जाइए, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, और हमें मिलेगा डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू। तो डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू यही टर्म सेम मिलेगा, बस यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस। इस प्रकार से डेल यू बाई डेल वाई भी मिल गया। अब हम यूज करेंगे मिलने थॉमसन मैथड। हमने मान लिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एनाटिक फंक्शन है। हम यूज कर रहे हैं मिलने थॉमसन मेथड, ये आपको याद रखना है। मिलने थॉमसन मेथड, एफ ऑफ जेड इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फाइव वन जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। तो फाइव वन एक्स वाई का फार्मूला क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स, ये हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन सिक्स दे दिए। और फाइव टू एक्स वाई का वैल्यू होता है डेल यू बाय डेल वाई, ये भी हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर सेवन दिए। तो एक बात याद रखना है, ये फार्मूला आता है मिलने थॉमसन मेथड से। फाइव वन एक्स वाई का फार्मूला याद रखिए और फाइव टू एक्स वाई का फार्मूला याद रखिए। यहाँ पर फाइव वन जेड जीरो चाहिए, तो एक्स के प्लेस पे जेड और वाई के प्लेस पे जीरो रख दीजिए। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ जेड रखो, जहाँ जहाँ वाई वहाँ जीरो। वैसे ही फाइव टू जेड जीरो आपको कैसे मिलेगा, एक्स के प्लेस पे जेड और वाई के प्लेस पे जीरो। तो हमने फाइव वन जेड जीरो निकाल लिया और वैसे ही फाइव टू जेड जीरो हमने निकाला। कैसे निकाला, एक्स के प्लेस पे जेड रखा और वाई के प्लेस पे जीरो। तो फाइव वन जेड जीरो आ रहा है माइनस सेक स्क्वायर टू जेड प्लस सेक टू जेड इंटू टेन टू जेड, और फाइव टू जेड जीरो आ रहा है, फाइव टू जेड जीरो आ रहा है सेक स्क्वायर टू जेड माइनस सेक टू जेड इंटू टेन टू जेड। अब इक्वेशन नंबर फाइव ये मिलने थॉमसन मेथड से आया था। फाइव वन जेड जीरो को वैल्यू हमने पुट किया, फाइव टू जेड जीरो को वैल्यू पुट किए, इसका इंटीग्रेशन होगा टेन टू जेड बाई टू, इसका इंटीग्रेशन होगा सेक टू जेड बाई टू, इसका इंटीग्रेशन टेन टू जेड बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन सेक टू जेड बाई टू। इस प्रकार से एफ ऑफ जेड का आंसर हमें मिल जाएगा। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 135। If u is equal to x square minus y square and v is equal to minus y upon x square plus y square, u और v की वैल्यू दिया गया है, गिवन है, देन सो दैट, तब दर्शाइए कि u एंड v बोथ आर सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। u और v दोनों लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, बट u प्लस आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, किंतु u प्लस आई वी जेड का विश्लेषिक फलन नहीं है। चलिए हम प्रूफ देते हैं। u इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भी का वैल्यू है माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल यू बाई डेल एक्स टू एक्स आएगा, डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर टू आएगा, डेल यू बाई डेल वाई माइनस टू वाई आएगा, और डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर माइनस टू आएगा। तो हमने u को डिफ्रेंशिएट किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार v को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर माइनस वाई कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू टू एक्स। तो डेल v बाय डेल x आएगा टू एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। वैसे ही
डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर मिला है डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2y³ - 6x² y। डेल वी बाय डेल वाई निकाल लेंगे, -x² + y² - x² + y² और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर हम निकालेंगे, ये आ रहा है 6x² y - 2y³ - x² + y² 3। इस प्रकार से हमने डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई सभी हमने निकाल लिया है। अब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करते हैं क्या आता है आंसर देखिए। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर हमें 0 मिल रहा है। वैसे डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो आंसर हमें 0 मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्लियरली यू एंड वी बोथ आर सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, स्पष्ट है कि यू तथा वी दोनों लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू इक्वल नहीं है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 2x था और डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू, डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू ये आ रहा है, तो ये डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू है और ये डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू है, दोनों इक्वल नहीं है। वैसे ही आप देखिए डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स ये भी इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि यह कौची रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर ये इक्वल होता तो कौची रिमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है बोलते, तो हमने लिखा है दैट कौची रिमान इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, अतः कौची रिमान समीकरण संतुष्ट नहीं होते हैं। जब कौची रिमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यू प्लस आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, क्लियरली यू प्लस आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, स्पष्ट है कि यू प्लस आई वी जेड का विश्लेषिक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कौची रिमान इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 136। सो दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी वेयर एफ ऑफ जेड इक्वल टू एस क्यूब 1 + i - y³ 1 - i² + y² एंड एफ ऑफ 0 = 0 इज कंटिन्यूस एंड सेटिस्फाइज कौची रिमान इक्वेशन एट ओरिजिन बट एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू दिया गया है, हमें ये बताना है कि यह जो एफ ऑफ जेड है यह कंटिन्यूस है, संतत है और यह मूल बिंदु पर कौची रिमान समीकरण को संतुष्ट करता है। कौची रिमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। और ये भी बताना है एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश 0 विद्यमान नहीं है। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू में क्या दिया गया है, ये हमें मिला है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हो इस प्रकार से, इफ आप जो यू प्लस आई वी है तो यू प्लस आई वी इक्वल टू एस क्यूब प्लस आई एस क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई वाई क्यूब। अब हम क्या करेंगे, आई वाले टर्म को अलग कर देंगे और जिसमें आई नहीं है उसको अलग कर देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे तो यू का वैल्यू आएगा एस क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वी का वैल्यू आएगा एस क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने यू और वी की वैल्यू निकाल लिया। अब सबसे फर्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन, सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जेड मूल बिंदु पर संतत है। तो कंटिन्यूस कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया लिमिटेशन जेड टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए लिया है, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा किस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर। लेकिन यहाँ पे पॉइंट जीरो पर कंटिन्यूस लाना है तो जेड टेंडिंग टू जीरो लेना पड़ेगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये। तो अगर ये हमने प्रूफ कर दिया मतलब हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट जीरो, जीरो मीन्स ओरिजिन, तो ओरिजिन पर वह कंटिन्यूस होगा। तो हमें यहाँ ये साबित करना है, तो हम निकाल रहे हैं लिमिटेशन जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड। तो जेड टेंडिंग टू जीरो इसका मतलब है एक्स टेंडिंग जीरो वाई टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई होता है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू रख दिए। अब हम एक पाथ ले रहे हैं वाई इक्वल टू एम एक्स, जहाँ जहाँ वाई वाई एम एक्स पुट कर देंगे,
तो y प्लस एम एक्स पुट कर दिए, तो यहाँ पर y नहीं है तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन आएगा, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, इस प्रकार से एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, x बचेगा। अब s को जब जीरो पुट करेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, जो s को जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। और आपको बताया एफ ऑफ जीरो को जीरो है तो जीरो को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जीरो। तो हमने देखा लिमिटेशन z टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ z इज इक्वल टू आर एफ ऑफ जीरो। हम लिखेंगे क्लियरली द फंक्शन एफ ऑफ z इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन, स्पष्ट है कि फलन एफ ऑफ z मूल बिंदु पर संतत है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, टू प्रूव दैट कौची रिमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन, सिद्ध करना है कि कौची रिमान समीकरण मूल बिंदु पर संतुष्ट होते हैं। ए डेल यू बाय यू एक्स वाई के वैल्यू है, ये भी एक्स वाई के वैल्यू है, ये हम निकाल चुके हैं। यू जीरो 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 आएगा, भी जीरो 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 आएगा। कैसे जीरो आएगा, क्वेश्चन में आप देखो एफ ऑफ जीरो जीरो दिया है, एफ ऑफ जीरो वैल्यू क्या दिया है जीरो, और एफ ऑफ जेड होता है यू प्लस आई वी, तो जब एफ ऑफ जीरो जीरो है तो यू जीरो जीरो भी जीरो आएगा और भी जीरो जीरो भी जीरो आएगा। अब हम फार्मूला यूज करते हैं डेल यू बाय डेल एक्स का, ये फार्मूला याद रखिए। यहाँ पे आप चाहो तो एक्स के प्लेस पे एच लिख सकते हो, तो यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, ये फार्मूला बता चुका हूँ मैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिए डेल यू बाय डेल एक्स का, यहाँ पर हम जीरो जीरो पॉइंट ले रहे हैं क्योंकि ओरिजिन पे निकालना है। ये हो जाएगा यू एक्स जीरो, यू जीरो जीरो के वैल्यू जीरो है, यू एक्स जीरो कैसे मिलेगा ये देखिए, यू एक्स वाई के वैल्यू आपको दिख रहा है, एक्स के प्लस पे एक्स रखिए, वाई प्लस पे जीरो, वाई प्लस पे जीरो पुट कर दीजिए, तो हमें यू एक्स जीरो के वैल्यू एक्स मिलेगा, एक्स एक्स कटेगा तो वन आएगा, तो डेल यू बाई डेल एक्स वन आया। ये डेल यू बाई डेल वाई का फार्मूला, ये फार्मूला आप याद रखिए। अब ये तो वैल्यू जीरो आएगा, यू जीरो वाई एक्स को जीरो कर दो, यू जीरो वाई क्या आएगा माइनस वाई आएगा, तो इस प्रकार से डेल यू बाई डेल वाई माइनस वन आ रहा है। डेल वी बाई डेल एक्स का फार्मूला याद रखिए, इसका वैल्यू वन आ रहा है। डेल यू वी बाई डेल वाई का भी फार्मूला याद रखिए, जैसे डेल यू बाई डेल वाई वैसी डेल वी बाई डेल वाई का फार्मूला, ये वन आ रहा है। अब हम देख रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई इक्वल आ रहा है, और डेल वी बाई डेल एक्स और माइनस डेल यू बाई डेल वाई इक्वल आ रहा है। अब ये दोनों इक्वेशन कहलाते हैं कौची रिमान इक्वेशंस। हमने लिखा है क्लियरली कौची रिमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन, हिंदी में क्या लिखोगे, स्पष्ट है कि कौची रिमान समीकरण मूल बिंदु पर संतुष्ट होता है। अब एक पार्ट और बचा है इसका, टू प्रूव दैट एफ डे जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, हमें बताना है एफ डे जीरो विद्यमान नहीं है। ये फार्मूला याद रखिए एफ डे जीरो का, एफ डे जीरो का फार्मूला होता है लिमिटेशन जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड, एफ ऑफ जेड के वैल्यू पुट कर दिया, एफ ऑफ जीरो के वैल्यू पुट कर दिया, जेड के वैल्यू लेते हैं एक्स प्लस आई वाई। अब हम पाथ लेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एम क्यूब एक्स क्यूब, यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एम एक्स, और लिमिट के नीचे लिखोगे एफ टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पर ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से एक्स कॉमन आएगा, इस प्रकार से कॉमन निकाल लिए। अब एक्स क्यूब जो है यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, एक्स क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ एक्स नहीं है तो जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो भी यही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि एफ डे जीरो का वैल्यू एम पर डिपेंड है, एफ डे जीरो का वैल्यू किस पर डिपेंड आ रहा है, एम पर। हम लिखेंगे विच डिपेंड्स ऑन एम, जो कि एम पर निर्भर है। जब इसका वैल्यू एम पर डिपेंड आ रहा है इसका मतलब हम लिखेंगे कि एफ डे जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, अतः एफ डे जीरो विद्यमान नहीं है। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 137। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, सो दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर माइनस फोर एंड एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू जीरो बट कौची रिमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट। हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है यह जेड इज इक्वल टू जीरो पर विश्लेषिक नहीं है, किंतु उस बिंदु पर कौची रिमान समीकरण संतुष्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिया गया है ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर माइनस फोर, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस वन अपॉन जेड की पावर फोर। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे, टू प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो, सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जेड बिंदु जेड इक्वल टू जीरो पर विश्लेषिक नहीं है।
तो अगर ये विश्लेषिक होता तो हमें क्या करना होता, विश्लेषिक होने के लिए इसको डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, और डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूस होना जरूरी है। मतलब अगर हम ये बता दें लिमिटेशन जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, अगर हम ये बता दें तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा एट पॉइंट जीरो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये इक्वल नहीं आएगा, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं होगा। जब ये कंटिन्यूस नहीं है मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो वह एनालिटिक नहीं है। तो एफ ऑफ जेड लिमिटेशन जेड टेंडिंग जीरो एफ ऑफ जेड को निकालते हैं तो यह आएगा लिमिटेशन जेड टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर माइनस वन अपॉन जेड की पावर फोर। एफ ऑफ जेड की वैल्यू रख दिया मैंने, आर इजकल जेड इजकल टू में ले रहा हूँ आर ई टू द पावर आई थीटा। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जेड का वैल्यू जो है आप एक्स प्लस आई वे लेते हो, ये आप याद रखना, लेकिन जेड के वैल्यू आर ई टू द पावर आई थीटा भी ले सकते हो। एक बार मैं आपको ध्यान दिखा बता दूँ यहाँ कि जेड इजकल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, और आप एस को लिख सकते हो आर कॉस थीटा, वाई को लिख सकते हो आर साइन थीटा। तो आर कॉमन लोगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जेड को आप इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हो। जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई आप लिख सकते हो, और जेड इजकल टू आर ई टू द पावर आई थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ हम जेड इजकल टू ले रहे हैं आर ई टू द पावर आई थीटा, तो जहाँ जेड है वहाँ आर ई टू द पावर आई थीटा आ जाएगा। यहाँ आर की पावर फोर आएगा और ई की पावर फोर आई थीटा हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब थीटा को वैल्यू हम अपने च्वाइस से जो उचित लगे वो ले सकते हैं। तो यहाँ हमने थीटा इजकल ले लिया पाई बाई फोर, थीटा का वैल्यू हमने पाई बाई फोर लिया। तो थीटा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए, एवरी वैल्यू के लिए वह वैल्यू के लिए काम करेगा। थीटा का वैल्यू कुछ भी ले, फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस ही रहेगा। तो हमने थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर पुट कर दिया, तो यहाँ पे फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर आई पाई आएगा, ई की पावर आई पाई का वैल्यू माइनस वन होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर वन अपान आर की पावर फोर। अब r को जब जीरो करोगे तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी होगा, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जा रहा है। देखो लिमिटेशन जेड टेंडिंग जीरो एफ ऑफ जेड की वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब है कि यह डज नॉट एग्जिस्ट, यह विद्यमान नहीं है। जब यह विद्यमान नहीं है मतलब यह डिफरेंशिएबल नहीं है, दस एफ ऑफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो, एंड हेंस f of z is not analytic at z equal to 0, अतः f of z z equal to 0 पर अवकलनीय नहीं है, और इसलिए f of z z equal to 0 पर विश्लेषिक नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन के। टू प्रूव दैट कॉची रिमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट z equal to 0, सिद्ध करना है कि कॉची रिमान समीकरण z equal to 0 पर संतुष्ट होते हैं। f of z के लिए दिया गया है, जेड के प्लेस पे रख दिए एक्स प्लस आई वाई, तो जेड के प्लेस पे एक्स प्लस आई वाई रख दिए। अब यहाँ पर इसको हमने रेशनलाइज किया परमीकरण, तो एक्स माइनस आई वाई की पावर फोर आएगा, नीचे ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर फोर, पावर फोर तो पहले से था तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर फोर। यहाँ से आए फार्मूला यूज कर लीजिए, तो आपको बताया आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई होता है, आई की पावर फोर वन होता है। तो ये फार्मूला यूज करके यह लाइन आ जाएगा, इसको आप आर स्क्वायर बोल सकते हो, आप आर स्क्वायर की पावर फोर है तो आर की पावर एट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ई की पावर आया माइनस वन अपन आर की पावर एट, एस की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स आई वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इस वन अपन आर की पावर एट का मल्टीप्लाई यहाँ यहाँ दोनों में हम कर देंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आप ई की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई की पावर आई थीटा सोचो इस पूरे को, ई की पावर आई थीटा तो क्या आएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसका मल्टीप्लाई कॉस से भी होगा, इसका मल्टीप्लाई आई साइन से भी होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u का वैल्यू ये आ जाएगा पूरा, और v का वैल्यू ये वाला आएगा, जिसमें i है वो v का वैल्यू होगा। इस प्रकार u और v हमने निकाल लिया।
अगर मैं यू एक्स जीरो निकालूँ, मतलब एस के प्लेस पे एक्स रखूँ और वाई के प्लेस पे जीरो, तो जितना वाई हो हट जाएगा, ई की पावर माइनस वन अपन एस की पावर फोर आएगा, और यू जीरो जीरो के लिए जीरो आएगा। यू जीरो जीरो के लिए जीरो क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में एफ जीरो के लिए जीरो दिया गया है। आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एफ हाफ जीरो जीरो दिया है, तो एफ हाफ जीरो जीरो दिया है, इसी कारण यू जीरो जीरो के लिए जीरो आएगा। अब डेली बाय डेल एस का फार्मूला यूज़ करते हैं, ये फार्मूला हमने यूज़ किया, रख दिया यू एक्स जीरो वैल्यू, यू जीरो जीरो वैल्यू, ये रख दिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर वन अपन एस की पावर फोर, ई की पावर एस का जो फार्मूला होता है उससे फार्मूला लगा दिए, इस एस का मल्टीप्लाई सबसे होगा। अब एस के लिए जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ वन बाई जीरो इन्फिनिटी आएगा, यहाँ भी वन बाई जीरो इन्फिनिटी आएगा, तो वन बाई इन्फिनिटी क्या आ रहा है, जीरो। तो डेल यू बाई डेल एक्स हमारा जीरो आ रहा है, तो इसी प्रकार से डेल यू बाई डेल वाई भी जीरो आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स भी जीरो आएगा, और डेल वी बाई डेल वाई भी जीरो आएगा। ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सिमिलरली लिखोगे। अब हम देख रहे हैं इसका वैल्यू भी जीरो है, इसका भी जीरो, इसका सभी का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई इक्वल है, वैसे ही डेल यू बाई डेल वाई और माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। हम बोलेंगे कौन सी रिमाइन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट जेड इक्वल टू जीरो, स्पष्ट है कि जेड इक्वल टू जीरो पर कौन सी रिमाइन समीकरण संतुष्ट होते हैं। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 138, 139 और 140। प्रूव दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर डेल स्क्वायर डेल जेड बार। 139 में ये हमें प्रूव करना है और 140 में ये हमें प्रूव करना है। इन दोनों क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम इस क्वेश्चन का यूज करेंगे, तो 138 का जो प्रूफ है वह 139 में भी देना पड़ेगा और 140 वाले क्वेश्चन में भी इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 138 करते हैं। तो जेड इक्वल हमने मान लिया एक्स प्लस आई वाई और जेड बार हमने लिया एक्स माइनस आई वाई। तो जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई, जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई। जेड प्लस जेड बार 2x आएगा, जेड माइनस जेड बार 2iy आएगा, तो एक्स का वैल्यू आएगा 1/2 जेड प्लस जेड बार और वाई का वैल्यू आएगा 1/2i जेड माइनस जेड बार। अगर हम डेल जेड बाय डेल एक्स निकाले 1/2 आएगा, डेल एक्स बाय डेल जेड बार 1/2 आएगा, डेल वाई बाय डेल जेड 1/2i आएगा और डेल वाई बाय डेल जेड बार माइनस 1/2i आएगा। ये कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने मान लिया एफ जो है फंक्शन है एक्स वाई का। अब हम एफ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो यहाँ चैन रूल लगेगा। चैन रूल क्यों लगेगा, क्योंकि एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड वी डिफ्रेंशिएट एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जब हम जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले एफ का एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर एस का जेड के रिस्पेक्ट में, वैसे प्लस एफ का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर वाई का जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये चैन रूल हमने यूज किया, इसका वैल्यू 1/2 है, इसका वैल्यू 1/2i है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर एफ को हटा दोगे बोथ साइड से तो ये आएगा डेल बाई डेल जेड का वैल्यू। वैसे ही आप एफ को हम डिफ्रेंशिएट करें जेड बार के रिस्पेक्ट में, फिर से चैन रूल लगेगा, इसका वैल्यू 1/2 है, इसका वैल्यू -1/2i है। इसको आप इस प्रकार से लिखोगे, एफ को हटा दो बोथ साइड से तो डेल बाई डेल जेड बार की वैल्यू ये आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो मल्टीप्लाई करेंगे कि फार्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4, यहाँ पे आई स्क्वायर को माइनस वन होता है प्लस आ जाएगा, तो 1/4 डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर होगा। 4 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमें जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया है, इसका यूज नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसके वैल्यू हमने रख दिया, ये हम प्रूव किए थे इक्वेशन नंबर 3 में। और ये मॉड ऑफ एफ हाफ जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एफ हाफ जेड का बार मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है, तो इसका वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, एफ हाफ जेड का होल बार एफ हाफ जेड बार होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ ये जेड का फंक्शन है, जेड बार का फंक्शन है, तो जेड का फंक्शन में डेल बाय डेल जेड ऑपरेट होगा और जेड बार के फंक्शन में डेल बाय डेल जेड बार ऑपरेट होगा। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में होगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड बार के रिस्पेक्ट में होगा। ये बन जाएगा एफ डे जेड, ये बन जाएगा एफ डे जेड बार। इसको आप इस प्रकार से एफ डे जेड बार जेड का होल बार लिख सकते हो। तो जेड इंटू जेड बार होता है माड ऑफ जेड स्क्वायर, इसको जेड सोच लीजिए, तो जेड इंटू जेड बार माड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, तो यह जाएगा माड ऑफ एफ डे जेड का होल स्क्वायर। तो हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, हमें मिल रहा है राइट हैंड साइड। एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये इसका लेफ्ट हैंड साइड ही है, इसका वैल्यू हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 3 से। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिए तो ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, लॉग एफ डे मॉड ऑफ एफ डे जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 और 4 कटेगा 2 आएगा। यहाँ से मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है तो ये हो जाएगा एफ डे जेड इंटू एफ डे जेड का बार। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो एफ डे जेड इंटू एफ डे जेड का बार, लॉग ऑपरेट अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए आपको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में एक बार जेड बार के रिस्पेक्ट में। ये जेड का फंक्शन है, जेड बार का फंक्शन है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड बार के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में तो होगा, लेकिन जेड बार के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट माना जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो जेड बार का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन जेड बार के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, लेकिन जब जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर 0 आएगा, यही राइट हैंड साइड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कीजिए, और एग्जाम में अगर पूछता है तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 138 है उसका पूरा प्रूफ देना पड़ेगा।